हेलो एवरीवन दिस इज़ अभिषेक राय एंड वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है मित्रों सीडीपी uh, सेक्शन में आपके सीटेड 2019 में उसके अलग uh, अगली सीरीज़ में आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोडोलॉजी के अलग सीरीज़ में हम लोग आज बात करेंगे विकास के सिद्धांतों की तो ये सीरीज़ लगातार तीन वीडियोज़ में रहेगी विकास के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं इस वजह से इसमें पहले सिद्धांत की बात करेंगे जिसको जिन पियाजे साहब ने दिया है जी हाँ संगनात्मक विकास का सिद्धांत और आखिरी में आप सभी को पता हर वीडियोस की तरह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का मेल आपको इस वीडियो के आखिरी में कम से कम हम लोग पंद्रह से बीस क्वेश्चन की सीरीज़ लाते हैं चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ताकि आपने जितना पढ़ा है वो सारा आपका रिवीजन हो जाए एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों का लाभ हो सके जिस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो मित्रों आ, विकास के सिद्धांत में विकास का हमने पढ़ लिया है सारी चीज़ें विकास होता क्या है वृद्धि क्या होती है उनमें डिफरेंस क्या है क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं अब उसी के अगले क्रम में हम लोग बात करेंगे विकास के सिद्धांत की तो ये सब प्रमुख बातें आप नोट डाउन करते चलिएगा अपने नोट्स में क्योंकि मैं बार बार इंफेसाइज़ करता हूँ आपके खुद के खुद से बनाए हुए नोट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको देते हैं तो विकास के सिद्धांत में विकास के मुख्यतः तीन सिद्धांत हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी से तो सी एग्ज़ाम में ये तीन सिद्धांति हैं जो बहुत ज़्यादा आपको लर्न कराते हैं आपके सी सेक्शन को तो विकास में पहला जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत और तीसरा है सामाजिक विकास का सिद्धांत तो आज हम लोग बात करेंगे संगनात्मक विकास का सिद्धांत ये पार्ट वन है इसके बाद पार्ट टू में आपको मिलेगा नैतिक विकास का सिद्धांत और पार्ट थ्री में आपको सामाजिक विकास का सिद्धांत और इसी में आपको इसमें जेड पी टी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट निकट विकास क्षेत्र का जो आपका सिद्धांत है वो आपको इसी में मिलेगा सामाजिक विकास के सिद्धांत में तो चलिए संगठनात्मक विकास का सिद्धांत जिसको जिन पियाजे साहब ने दिया है उसको हम लोग शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वीडियो इसलिए क्योंकि इसमें बस डायरेक्ट आपको फोकस कराया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने दिया है क्या चीज़ दिया है वो सारी चीज़ें इससे शॉर्टकट आपको वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक कौन है जीन पियाजे साहब हैं एक लाइन में और मुख्य बातें इस सिद्धांत की क्या क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं आइए तो तीन प्रमुख बातें इसमें हैं कि अपने बच्चों के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था बहुत सॉलिड बात है इनके अपने बच्चे थे जिसपे इन्होंने अध्ययन किया दूसरी बात सिद्धांत की जो न्यू बताई गई है इसमें वो सज्ञान को आंतरिक ज्ञान को बताया गया है तो ये इम्पोर्टेंट है पूछा जाए कि संगनात्मक विकास के सिद्धांत की न्यू क्या बताई गई है या न्यू क्या है सिद्धांत की तो संज्ञान है आपका ठीक है और तीसरी प्रमुख बात है कि बाल विकास की चार अवस्थाएं इसमें इन्होंने बताई हैं तो बाल विकास की प्रमुखता से आपके अगर जिन पियाजे साहब के अनुसार पूछा जाए कि जिन पियाजे साहब ने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं तो चार अवस्थाएं बताई हैं या पूछा जाए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बाल विकास की कितनी अवस्थाएँ हैं तो ये आपकी चार अवस्थाएँ हैं चलिए आगे चलते हैं देखिए क्वेश्चन कैसे भी आए आपको टैकल करना है इस वजह से डायरेक्ट आपके सामने सारी चीज़ें हैं चाहे तो स्क्रीन ले सकते हैं चाहे तो फिर स्टॉप करके वीडियो को आप नोट्स अपने कट बनाते रहिएगा तो अब हम लोग बात करेंगे अवस्थाओं को अच्छे से डील करने की तो पहली जो अवस्था है और उम्र सीमा हम लोगों को यहाँ पे दी है इसके बाद इन सब पार्टिकुलर अवस्था के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस अभी नीचे करेंगे लेकिन अभी हम लोगों को शॉर्ट कट में तरीके में ये समझना है कि अवस्था क्या है और उसकी उम्र सीमा क्या है तो यहाँ पर देखिए अवस्था है एक तरफ एक तरफ उम्र सीमा है तो पहली अवस्था होती है इंद्रजनित गामक अवस्था या इसी को संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहा जाता है इसकी उम्र सीमा होती है जीरो से दो वर्ष यानी जन्म से दो वर्ष तक आपकी इंद्रजनित गामक अवस्था की होती है उम्र सीमा दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र सीमा है दो से सात वर्ष होती है आगे चलते हैं और इन अवस्थाओं में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है उसको अभी हम नीचे पढ़ेंगे भी चारों अवस्थाओं के बारे में पहले एक डिटेल एनालिसिस ब्रीफ में समझ लें उसके बाद डिटेल एनालिसिस नीचे करेंगे तीसरी अवस्था होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह चीज़ी को अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है इसकी उम्र सीमा आपकी बताई जाती है सात से ग्यारह वर्ष और आखिरी जो चौथी आपकी विकास की अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक सं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसकी उम्र सीमा ग्यारह से पंद्रह वर्ष या ग्यारह वर्ष से ऊपर भी कहा जाता है तो ये चार अवस्थाएँ आपकी हो गई इंद्रजनित गामक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीरो से दो वर्ष दो से सात वर्ष सात से ग्यारह वर्ष और ग्यारह वर्ष से पंद्रह या ग्यारह वर्ष से ऊपर ये एक ब्रीफ आपको बात बताना था इसके अलावा एक टर्म जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ये दो टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम मैक्सिमम मोस्ट टाइम अगर जो मित्र पूरा प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे या कई बार अटैम्प्ट दे चुके होंगे एग्जाम का उनको ये पता होगा कि स्कीमा और ये स्कीमा जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए स्कीमा होता क्या है व्यक्ति की ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि स्कीमा होता क्या है पर्टिकुलर नहीं समझ में आता है कई इंस्टीट्यूट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने भी देखे हैं जो लंबे लंबे छोटे छोटे डेफिनेशन बता दिए जाते हैं लेकिन यहाँ पे आपको एकदम सॉलिड एक टर्म में पता चल जाएगा कि व्यक्ति ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसका सामान्यकरण किया जा सकता है जैसे कोई पार्टिकुलर कार्य है जो बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस के थ्रू या बहुत ही उलझा हुआ लगता है तो स्कीमा के अंतर्गत उसको सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश की जाती है उसको सरलीकरण किया जाता है उसको सरल भाव में जैसे मैं ये स्कीमा का अर्थ आपको सरल भाव में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे स्कीमा का मतलब भी वही होता है ठीक है और स्कीम्स का क्या मतलब होता है व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है यानी कि जैसे कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है ठीक है तो रोज़ सुबह वो उठेगा ब्रश करेगा अपना फ़्रेश होगा कपड़े पहनेगा मोजे पहनेगा अपने जूते पहनेगा फिर आगे स्कूल के लिए जाएगा तो जो ये पैटर्न है रोज़ रेगुलर वो डिफ़ाइन कर रहा है रोज़ इसी को दोहरा रहा है तो व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है आपका स्कीम्स कहलाता है तो आई होप कि देखिए अपने जो एग्ज़ाम्पल हैं डे टू डे लाइफ से रिलेट करेंगे अपने आस पड़ोस से रिलेट करेंगे तो वो बेटर अपने दिमाग में भी आती हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने में भी आसानी होती है चलिए आगे चलते हैं अब इन अवस्थाओं को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता भी नहीं है जितना हमको जानना था वैसे हमने जान चुका है लेकिन फिर भी कभी पार्टिकुलर पूछ लिया जाता है कि इंद्रजनित गामक अवस्था या किस अवस्था में बालक ऐसी ऐसी घटनाएँ करता है या ऐसी संक्रियाएँ करने लगता है तो वो सब के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे तो इंद्रजनित गामक अवस्था या संविधिक प्रेरक अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज इंग्लिश में भी बोलते हैं मानसिक विकास का यह चरण जन्म से लेकर दो वर्ष की अवधि तक पूरा होता है इस अवस्था में बालक की मानसिक क्रियाएं उसकी इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती हैं इंद्र यानी अब यहाँ पे जो कार्य करता है वो अपनी इंद्रियों के बस पे करता है जैसे जैसे उन्हें भूख लगी है तो वे इस बात को रो रो बताते हैं किसी भी वस्तु को उन्हें चाहिए उसे दिखा अपनी बातें प्रकट करते हैं इस प्रकार से इस अवस्था के बा, बालक भाषा के अभाव में अपने चारों ओर के वातावरण को अपनी इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं और अनुभव के माध्यम से ही जानते हैं उन्हें विचारों के रूप में जो कुछ कहना है समझना होता है उनकी गामक क्रियाओं के रूप में ही अभिव्यक्ति होती है कोई वस्तु बच्चे के सामने तभी तक होती है जब तक वो वस्तु उसकी आंखों के सामने रहे आंखों से उज्जवल होते हुए वस्तु के लिए समाप्त हो जाता है तो ये कहने का पूरा मतलब ये है कि जो आपकी आप संक्रियात्मक अवस्था ये जो आपकी है इंद्रजनित गामक अवस्था है या संवेदी प्रेरक अवस्था है इसमें बालक का जो भी कार्य होता है वो इंद्रियों के वशीभूत होता है यानी कि वो उसको कुछ भूख लगी है तो रो रो कर बताएगा तो मतलब अपनी इंद्रियों के वशीभूत कार्य करेगा और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक के सामने जो वस्तु रहती है वो तभी तक रहती है उसके बाद अगर हटा ली जाती है तो बालक के मस्तिष्क पटल पर उसका कोई इमेज नहीं रहता ना उसको याद रहती है तो ये आपकी इसी अवस्था में होती है आपकी इंद्रीजनित गामक अवस्था में चलिए नेक्स्ट अवस्था देखते हैं और नेक्स्ट अवस्था आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं बच्चों में यह अवस्था दो से सात वर्ष के अंदर होती है इसके दौरान बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से आरंभ हो जाता है अभिव्यक्ति का माध्यम अब भाषा बनने लग जाती है और गामक क्रियाएं नहीं यानी अब अपनी भाषा से लोगों अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करता है वस्तुओं के बारे में सोचना तथा विचारों के लिए अब भाषा तथा चित्रों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है यानी अब वस्तु जो है उसके बारे में सोचने लगता है अभी तक नहीं सोच रहा था संग आपके इंद्रजनित अवस्था में जीरो से दो वर्ष में लेकिन जब दो से सात वर्ष के बीच का जो बालक होता है वो सारी चीज़ें अब सोचने लगता है और चित्रों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है अपनी भाषा में बालक अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने और उनमें भेद करना प्रारंभ कर देते हैं उसमें अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है वे वस्तुओं को समूह में विभाजित कर उन्हें नाम देना शुरू कर देते हैं परंतु शुरू के वर्षों में उनका सम अधूरा एवं दोषपूर्ण ही होता है तो ये देखिए जैसे डिफाइन करना होगा दो से सात वर्ष के बीच में बालक सबके में भेद अभेद करने लगते हैं लेकिन जैसे एक एक कॉमन एग्जाम्पल है जैसे कोई वस्तु जीवित है या कोई प्राणी जीवित है या जीवित है वो इसमें डिफाइन नहीं कर पाते इसमें कैटेगरी नहीं बना पाते तो इसीलिए बोला गया कि अधूरा और दोषपूर्ण होता है बाकी आपकी जीरो से दो वर्ष वाली जो संक्रियाएं नहीं हो पाती थी अब दो से सात वर्ष में उससे ज़्यादा आगे पहुंच गया है अपनी भाषा को अपने मन के विचारों को भाषा द्वारा अव्यक्त कर सकता है चित्रों के माध्यम से लोगों के नाम चित्रों के नाम अपने हिसाब से कर सकता है लोगों को कैटेगराइज करने लगता है भले दोषपूर्ण हो या अधूरे हों लेकिन कुछ हद तक वो करने लगता है अब आगे है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इस अवस्था यह अवस्था जो सात से ग्यारह वर्ष के बालकों के अंदर होती है बच्चों में वस्तुओं को पहचानने विभेदीकरण करने यानी दोनों डिफ्रेंशिएट करने वर्गीकरण करने तथा उपयुक्त नाम से समझने की उपयोगिता विकसित हो जाती है वे वस्तुओं के बीच में समानता संबंध असमानता दूरी और विषमता को समझने लगते हैं शिशु में इस प्रकार की उनकी समझ मूर्त रूप तक ही सीमित होती है उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होने लगता है यानी इसमें अब वो एक ऑर्डर में होते हैं ऑर्डर थिंकिंग हो जाती है उनकी और तर्कसंगत हो जाती है यानी कि उसका वो एग्ज़ाम्पल से अच्छे से वो समझा सकते हैं हवाई उड़ान भरना कम हो जाता है और वे यथार्थ की दुनिया को समझना शुरू करते हैं यानी वो ट्रू जो आपके वर्ल्ड है उसमें एग्जिस्टेंस उनका जो है उसके बारे में समन्या वो शुरू कर देते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट है आपका ये लास्ट स्टेज है आपकी ये विकास के सिद्धांत में जिन प्याज ने लास्ट स्टेज बताई है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं ग्यारह वर्ष या से अधिक आयु के बालकों के अंदर पाई जाती है ये अवस्था बालकों में इस अवस्था की मानसिक विकास संबंधी बातों को निम्न रूप में समझा जा सकता है ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके रूप में इसको समझा जा सकता है सभी प्रकार के संप्रतियों का समुचित विकास हो जाता है इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है यानी भाषा सबसे ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट होता है भाषा का जो विकास होता है सबसे ज़्यादा होता है इस अवस्था में विचारने सोचने तर्क करने कल्पना निरीक्षण अवलोकन प्रेक्षण प्रयोग आदि के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त योग्यता विकसित होती है नेक्स्ट है स्मरण शक्ति रटने पर आधारित न होकर अब समझकर आधारित होने लगती है मतलब अभी तक जो रटने की प्रवृत्ति चल रही थी वो अब रटना बंद हो जाता है और अपने से समझने शुरू कर देता है बालक चिंतन अब मूर्त नहीं रहता अमूर्त बन जाता है जो चिंतन होता है वो मूर्त नहीं रहता वो अब एग्जिस्ट करने लगता है सारी चीज़ें और वो अपने से डेफिनेशंस को रूप देना सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं वस्तुओं के स्थूल रूप का अब चिंतन प्रक्रिया के लिए उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं रहता है नेक्स्ट है समस्या समाधान योग्यता का उचित विकास हो जाता है बच्चों में संभावित समस्या का हल खोजने की क्षमता पैदा हो जाती है तो वो अब अपने समस्याओं को अपने प्रश्नों को खुद से हल करने की योग्यता निर्धारित कर लेते हैं और आखिरी इसमें है कि संश्लेषण विश्लेषण तथा सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना संबंधी उच्च मानसिक क्षमताओं का समुचित विकास हो जाता है इस अवस्था में तो ये चार अवस्थाएं थी आपकी संगनातम विकास को लेकर अब आपके इनके अनुसार जो आपके इम्पॉर्टेंस हैं तो यहाँ तक तो ये चार स्टेजेस आपको समझने थे अब इससे संबंधित कुछ अब लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे अब कुछ क्वेश्चन करने से पूर्व ये एक एक टर्म जो है मुझे जा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पियाजे के अनुसार संगनात्मक कार्यविधि की विशेषताएं तो विशेषताएं में ये एक विशेषता हम लोग पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और दो वो टर्म याद रखिए रखिएगा स्कीम्स और स्कीमा जो पूछा जाता है तो संगठन में इन्होंने बताया कि पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रमाणिक तो प्राणी स्वीकार किया है तो ये कई बार पूछा गया कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील माना है ये कई बार पूछा गया तो इसको हेडिंग में बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इसको इम्पोर्टेंट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट करके अपने नोट्स में जरूर जगह दीजिएगा अपने नोट्स में चलिए अब प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं तो प्रश्न अभ्यास में आपके पहला प्रश्न है निम्न सिद्धांतों में से कौन सा बच्चे के बौद्धिक विकास के चार चरणों चालक पूर्व परिचालक सुदृढ़ परिचालक एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है एरिक्सन का मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत फ्राइड का मानसिक यौन विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का संगनात्मक विकास का सिद्धांत या कोलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत तो यह भी आपने नहीं पढ़ा है चालक पूर्व परिचालन तो ये आपका है बी ऑप्शन फ्राइड का मानसिक यौन विकास का सिद्धांत आंसर इसका हो जाएगा ठीक है देखिए प्रश्नों को हम लोग इसलिए करते हैं कि जरूरी नहीं कि उनको जो प्रश्न आते ही हैं तो उनके उत्तर हम मिलते जाएं इन प्रश्नों के जरिए भी आप कई नए नए प्रश्नों के उत्तर जानते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन यानी नया वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है रचनात्मकता अभिनव बुद्धिमत्ता नव विचार इनमें से क्या कहा जाता है उसको ये आपका रचनात्मकता कहा जाता है क्यों क्योंकि ये आपको इसको क्रिएटिविटी कहा जाएगा जब आपके विचार उसमें नए नए विचार आएंगे वास्तविकता तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित रहता है जिसमें तो वो आपके रचनात्मकता कही जाती है नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न बच्चे के संगनात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान खेल का मैदान है सभागार है घर है या विद्यालय और कक्षा का वातावरण है तो सज्ञान को आपका सबसे ज़्यादा उसके ज्ञान को विद्यालय और कक्षा का वातावरण ही उसको विकास हेतु उत्तम स्थान है प्रश्न संख्या आप चार पे चलते हैं तो चौथा प्रश्न है आपका इसमें संगनात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले थे किसने प्रतिपादित किया है तो ये आपको आई होप पता होगा चार ऑप्शन हैं लजारस टैलमैन टे, टे, कोहलर या प्याजे तो ये आपके लिए है एच डब्ल्यू या कह सकता हूँ कि ये आपके लिए वर्क है ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे मैं हर वीडियो में एक या दो प्रश्न जरूर पूछता हूँ आप लोगों से तो कोशिश किया करिए कि उसके जवाब दिया करें और ये तो आपके इस चैप्टर से ही रिलेटेड प्रश्न है तो जरूर इसका कमेंट जरूर बताइएगा आंसर पाँचवा प्रश्न है कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक वर्ष की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशता छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के तीन स्तर हैं गुण सिद्धांत प्रकार सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद का सिद्धांत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में ये प्रतिपादित किया गया तो इसको एकदम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में अपने नोट्स में नोट, नोट करिएगा क्योंकि ये कई कई बार पूछा भी जाता है कि मस्तिष्क एक की बड़ी चट्टान के समान होती है बर्फ़ की जो अधिकांश से अच्छी रहती है ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है क्वेश्चन नंबर छः आप देख देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके साथ संतुष्ट होंगे उसे अतिरिक्त गृहकार नहीं देंगे वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है तो ये तो ऑब्वियस ही बात है आप सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका कि आप उस जैसे भी वह अधिक प्रगति कर सके उसे वैसे अनुप्रेरित करेंगे उसकी वैसी मदद करेंगे सातवां प्रश्न है निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है सामाजिक संरचना अनुभव संतुलनीकरण या इनमें से कोई नहीं इसमें से आपका सामाजिक संचरण जो है ये निर्धारक तत्व नहीं होता है सामाजिक संचरण हमने बताया था कि हमने संज्ञान को सबसे ज़्यादा उसका नियो माना है संज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है ठीक है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आठवां प्रश्न है बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है कोहल वर्ग द्वारा एरिक्सन द्वारा स्कीनर द्वारा या प्याजे द्वारा तो ये भी प्रश्न आपके लिए है आप ज़रूर कमेंट करिए इस चैप्टर से रिलेटेड है कि किस मनोवैज्ञानिक ने आपके विशिष्ट अवस्थाओं को चार बौद्धिक विकास के अवस्थाओं को चार पार्ट में डिवाइड किया है ये अभी आपने पढ़ा है ये दो प्रश्न आपके लिए होमवर्क है आप ज़रूर कमेंट करिएगा नवा प्रश्न है कोलवर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है सहयोग की नैतिकता नैतिक तर्कणा नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा यह आपका उत्तर हो जाएगा भी नैतिक तर्कणा बोला जाता है प्रश्न संख्या दस पियाजे के संगणात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है विचारों की विलोमियता मानसिक द्वंद्व सं सन, संरक्षण या क्रमबद्धता का व पूर्ण अंश प्रत्यय प्रत्ययों का प्रयोग तो ये योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है ये आपका कौन सा उत्तर होगा तो ये आपका मानसिक द्वंद्व वहाँ पे नहीं होता है यहाँ तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा प्रश्न संख्या ग्यारह किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं ये कथन किसका है ये कॉल कौलसनिक ड्राइवर स्टैनले हॉल या बिग्गी में से आपका उत्तर हो जाएगा ए कॉल्सनिक कॉल्सनिक ने ये कथन कहा है कि जो किशोर होते हैं किशोर जो रहते हैं वो अपने मार्ग में प्रौढ़ों को बाधा समझते हैं और जो उनकी स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने में रोकते हैं ये कथन आपका कॉल्सनिक का है तो इम्पॉर्टेंट है नोट कर लीजिएगा प्रश्न संख्या बारह पे चलते हैं हम लोग और बारहवा प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन मानसिक विकारों का न होना व्यक्ति के विकारों से मुक्ति या इनमें से सभी तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा ए पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन ही प्रदर्शित करता है कि उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम है तेरहवा प्रश्न है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है यह कथन किसका है डीवी द्वारा गिलफोर्ड द्वारा क्रूज द्वारा या रॉस द्वारा तो ये कथन आपका रॉस द्वारा दिया गया है प्रश्न संख्या फोर्टीन बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक हैं बच्चों के सक्षम छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके बच्चों के संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके या उपरोक्त सभी तो ये आपका कौन सा हो जाएगा उत्तर आपका फोर्टीन का डी उत्तर सही होगा तो फोर्टीन का डी आपका उपरोक्त तो सारे उत्तर आपके सही होंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे आते हैं हम लोग बच्चों के बौद्धिक विकास के चार सुस्पष्ट स्तरों को पहचानना गया है था कोलवर्ग द्वारा एरिक्सन द्वारा स्किनर द्वारा या प्याजे द्वारा तो ये आपको किसके द्वारा बच्चों के बौद्धिक स्तर के चार सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था ये आपके प्याजे द्वारा ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एक प्रसार मान्य बारह वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव क्या है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी तो सोलह प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा डी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी क्यों क्योंकि जो एक बारह वर्ष का बच्चा रहेगा सबसे अधिक होने की उसकी क्या संभावना है कि आपके समकक्ष का जो समकक्ष यानी सेम कक्षा में जो उसके साथ पढ़ता है उसके साथ अनुमोदन यानी उनके साथ बातचीत करने का जो बेचैनी होती है वो यहाँ पर सबसे अधिक संभावना हो सकती है तो ये आप लोगों के लिए पूरा प्रश्न बैंक रहा लास्ट में तो हर चैप्टर्स में ऐसे ही आपको प्रश्न मिलते रहेंगे और फिर हम लोग के तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसी की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि सी टेट में पैडागोलॉजी सबसे ज़्यादा आपके नंबर गेन करने के लिए है और पिछली बार से नौ दिसंबर का अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हर सेक्शन में इस बार चाहे ई का हो चाहे मैथमेटिक्स का हो हर सेक्शन में आपके पैडागोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछी गई है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस उतने ज़्यादा नंबर आपको गेन होंगे तो दोनों प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दीजिएगा और वीडियो इतना ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भी मित्र तैयारी कर रहे हो सी की वो हमसे जुड़कर अपने नंबर को और अच्छे से गेन कर सकते हैं तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए भारत को आगे बढ़ाते रहिए कीप स्माइलिंग एंड स्टे स्टेबलेज एंड स्टे मोटिवेटेड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड प्रमोट माई चैनल गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू सो मच